कैकेयी ने अपने वचन का फायदा उठाकर राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब राम वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख उनके पिता राजा दशरथ उनसे मिलने आते हैं। उन्हें एकदम सादगी भरी वेशभूषा में देख कहते हैं, ज्येष्ठ पुत्र राम, यह आपने कौन सा लिबास धारण किया है? वनवास जा रहा हूँ, अब 14 बरस के लिए यही वेशभूषा रहेगी मेरी। क्यों? वनवास में 14 बरस तक एक ही स्थान पर तो नहीं रहूंगा मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रहना पड़े, वहाँ जल की व्यवस्था हो या ना हो, इसलिए सादगी भरी वेशभूषा ही ठीक है पिताश्री। उसकी चिंता तुम मत करो ज्येष्ठ पुत्र राम, जल पानी वायु और तुम्हारे खान पान का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने, एक रसोईया भी तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं पिताश्री, अगर ये सुखी भोगना होता तो मैं वनवास जाना स्वीकार ही क्यों करता? जैसे वनवास जाना स्वीकार किया वैसे ही रसोईया और दूसरी भोजन सामग्री भी ले जाना स्वीकार कर लो पुत्र। नहीं पिताश्री, मनुष्य को जिस स्थान पर रहना है उसी स्थान का खान पान ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो जाता है। तभी तो प्रकृति हर चीज हर स्थान पर पैदा नहीं करती, क्योंकि वो चीज उस स्थान के लिए उपयुक्त नहीं होती। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं ज्येष्ठ पुत्र, किंतु तुम्हारे साथ तुम्हारे अनुज लक्ष्मण भी है, सीता भी है, उनके लिए आवश्यक भोजन। नहीं पिताश्री, मैंने उन्हें साथ आने के लिए बाध्य नहीं किया, वे अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, तो वे भी वही कांड मूल फल ग्रहण करेंगे जो मैं ग्रहण करूंगा। महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र और कांड मूल फल फूल? कहते हुए राजा दशरथ इस चिंता से वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ राजा दशरथ और वहाँ माता कौशल्या भी राम को लेकर अपने शयन कक्ष में चिंतित बैठी है। तभी राम उनसे मिलने आते हैं। माता श्री। राम, मेरे पुत्र राम। आज्ञा दे माता श्री, मेरे वनवास जाने का समय हो गया है। कैसे आज्ञा दे दूं पुत्र, 14 घंटे के लिए हम वन में शिकार खेलने जाते हैं तो भूख प्यास से हमारी हालत पूरी हो जाती है, 14 बरस में तुम्हारा क्या होगा पुत्र? मैंने फैसला कर लिया है, तुम वनवास नहीं जाओगे। या आप क्या कह रही हैं माते? हाँ, तुम वनवास नहीं जाओगे, ये एक माँ का अपने पुत्र को आदेश है। आपका आदेश नतमस्तक होकर मानता माता श्री, किंतु इस आदेश के लिए आपने देर कर दी, आपके आदेश से पहले पिताजी का वचन आ गया, इसलिए वनवास जाना ही होगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे, ये एक माँ कह रही है, क्या माँ का आदेश नहीं मानोगे तुम? माँ का ही आदेश तो मानकर वनवास जा रहा हूँ माँ। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ, ये एक सगी माँ का आदेश है। माते, माँ सगी हो या कोई और, माँ सब एक समान होती है, इसलिए अपनी माता कैकेयी की बात मान लेता हूँ, अगली बार आप आदेश करना, जरूर मानूंगा। सुनकर जहाँ कौशल्या रोने लगती है, वहीं एक तरफ से आती माता कैकेयी उनकी बातें सुनकर रुक जाती है। राम की बात उसके दिल को छू जाती है और वो अपनी दासी को भेजकर राम को अपने कक्ष में बुलाती है। राम माता कैकेयी से मिलने आते हैं। माता श्री, आपने बुलाया था हमें? हाँ पुत्र राम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उस गलती के लिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। यह आप क्या कह रही हैं माते, एक माँ का हाथ अपने पुत्र के सामने जुड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता, हमने बचपन से ही सीखा है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी ना कुमाता। किंतु मैं हूँ कुमाता, मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम्हें वनवास का आदेश जारी करने के लिए महाराज दशरथ को विवश किया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कौशल्या सच कह रही थी, 14 घंटे वन में शिकार खेलने जाने पर हमारी भूख प्यास से बुरी गत हो जाती है, 14 वर्ष में तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं, तुम वनवास नहीं जाओगे। नहीं माते, यदि मैं वनवास नहीं गया तो पूरी प्रजा में ये बात फैल जाएगी कि राम ने अपनी माँ की आज्ञा की अवहेलना की। किंतु ये हम खुद आज्ञा दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वनवास ना जाओ। ये बात आप जानती है माता, हम जानते हैं, किंतु प्रजा ये बात नहीं समझेगी। प्रजा तो यही समझेगी कि हमने ही आप पर ये जोर देकर आदेश जारी करवाया है कि हम वनवास ना जाए। हमें प्रजा से क्या मतलब पुत्र? नहीं माते, प्रजा ही असली राजा होती है, प्रजा ही असली भगवान होती है, और मनुष्य को भगवान के मन को समझकर ही अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जो भगवान के मन की बात समझते हुए भी अपने कदम वापस ले लेता है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। किंतु पुत्र। नहीं माते, अब हमारा वनवास जाना निश्चित है, हम पिताश्री और माता कौशल्या से भी कह चुके हैं,
ना हम अपने साथ कोई रसोईया लेके जाएंगे, ना ही कोई भोजन की चीज। अब हम वही भोजन ग्रहण करेंगे जो हमें वन में हमारे आसपास मिलेगा। कहते हुए राम हाथ जोड़कर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कैकेयी एकदम से रोने लगती है। ये हमसे क्या गलती हो गई प्रभु? महल के फूलों में सोने वाले को हमने कांटे का बिछौना दे दिया, राजशाही भोजन ग्रहण करने वाले को बन के कंद मूल फल खाने पर विवश कर दिया। ये क्या कर दिया हमने? ये क्या कर दिया हमने? क्यों कर दिया? ये कैसे हो गया हमसे? ये कैसे हो गया? ये सब मंत्रा की वजह से हुआ है। काश मंत्रा हमारे साथ इस महल में ना होती। आज हमें ज्ञान हो रहा है, अच्छी संगति में रहने से ही हमारे विचार आचार अच्छे होते हैं।